स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आपका चैप्टर चल रहा था कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 2 तक हम कर चुके थे, जिसमें कि मैंने आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और डबल पॉइंट्स वगैरह निकालना सिखा दिया था। आज की इस एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे कर्व ट्रेसिंग, यानी कि किसी भी कर्व को ट्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, यानी कि इस एक्सरसाइज में हम किन कर्व को ट्रेस करेंगे बच्चों, जिन कर्व की इक्वेशन किस फॉर्म में दी हुई हो, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि एक्स और वाई की फॉर्म में दी हुई हो, तो उन कर्व को हम ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी कर्व की, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, तो उसके लिए आपको कर्व ट्रेस करना है। तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करनी होगी सिमेट्री। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, सिमेट्री, यानी कि हमारा जो कर्व है वो किस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है। सपोज दैट आपको एक्स और वाई दोनों गिवन होंगे, तो आपको बताना है कि कर्व हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है या फिर वाई एक्सिस के अलोंग। उस वो आप कैसे देखोगे, सपोज दैट आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई की फॉर्म में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक्स की पावर कहाँ पर इवन है और कहाँ पर ओड है। अगर एक्स की पावर इवन है तो हमारा कर्व किस एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के, और अगर हमारी वाई की पावर कैसी है, इवन है, तो इसका मतलब हमारा जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और अगर हमारा एक्स और वाई दोनों ही कैसे हैं बच्चों, दोनों की पावर ही कैसी है, इवन है, दोनों ही इवन है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कर्व होगा वो एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वो कैसे देखेंगे, इवन और ओड का आपको पता है, इवन होता है सम और ओड होता है विषम, यानी कि इवन नंबर्स कैसे आपके 2, 4, 6, 8 इस टाइप से, और ओड नंबर्स 1, 3, 5, 7 इस टाइप से जो चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट हम क्या निकालेंगे कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से होकर जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको कर्व की इक्वेशन गिवन होगी उसमें एक्स और वाई के प्लेस पे क्या पुट करोगे, आप जीरो पुट करोगे। तो अगर आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर दोनों साइड इक्वल आ जाती है, तो उस कंडीशन में हमारा कर्व क्या होगा बच्चों, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या आता है, एसिम्प्टोट्स। थर्ड पॉइंट क्या है, एसिम्प्टोट्स मैंने आपको निकालने बता रखे हैं, अपने आप में कम्प्लीटली एक चैप्टर था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसके बाद में ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। तो ये अपने आप में कम्प्लीटली एक चैप्टर है, और जितना भी मैंने आपको इस चैप्टर से कराया वो सभी कुछ आपको करना है। अगर आपने अभी तक ये वाला चैप्टर नहीं किया है तो बच्चा पहले उसको कर लेना, ठीक है, उसके बाद में इस क्लास को लेना, क्योंकि अगर आपको ये वाली टर्म इनमें से कोई भी एक टर्म आपको क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होंगे ये वाले आपके, और इसमें अगर आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर होंगे तो ये आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आपको क्या फाइंड करना है, एसिम्प्टोट फाइंड करने हैं। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या फाइंड करना है आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, रीजन फाइंड आउट करना है। रीजन क्या, यानी कि हमारा जो कर्व होगा वो कितने एरिए में बनेगा। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे कितने एरिए में हमारा जो कर्व होगा वो ड्रॉ होगा, वो किससे फाइंड करेंगे, रीजन से फाइंड आउट करेंगे। एंड नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में अगर कहीं पे भी नीड पड़ी तो हम लास्ट में क्या फाइंड करेंगे, स्पेशल पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी ये टर्म। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए आपको सबसे पहले ये टोटल 5 और 6 पॉइंट्स है, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए। इनके बारे में आप कम्प्लीटली डिटेल से लिखोगे, इनको फाइंड करोगे, और उसके बाद में आप क्या करोगे, कोई भी कर्व ड्रॉ करोगे। ठीक है,
तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आप कर्व ट्रेस करोगे। बता दिया मैंने आपको, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और दूसरी बात बच्चों, ये इसके एग्जांपल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल्स क्या है बच्चों, आपको सॉल्यूशन मिलेगा बुक में, तो मैं क्या करूँगी आपको एग्जाम्पल्स की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ से आप एग्जाम्पल्स कर लेना। और साथ के साथ में जैसे कि आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, तो क्वेश्चंस तो आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि मैं करा दूंगी। रही बात एग्जाम्पल्स की, तो आप बुक में से जब मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगी तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स में भी क्या हो जाएगा, हिंट मिल जाएगा कि हाँ कौन सा पॉइंट किस अकॉर्डिंग लिया गया है, ठीक है। उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बुक की लैंग्वेज कम देखते हुए अपने हिसाब से करके देखना हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अभी ये मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन ले लेगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए बीच में आप क्या कर देना, अगर किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता देना कि मैम इस वाले एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको समझा दो, तो मैं क्लास में ही आपको क्लियर करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि आप बाद में पूछोगे तो बाद में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा है बच्चों कि आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, बारीकी से। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंथी होंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें क्या होगा, बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे कि आपने ये सब चीज़ें निकाली तो आपका डायरेक्टली कर्व ट्रेस हो जाएगा, कुछ में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि हाँ कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात ये, इस वाले चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं ओनली आपको वही कराऊंगी, फालतू क्वेश्चंस आपको करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों, सिमेट्री, यानी कि हमें क्या करना है, सिमेट्री चेक करनी है। तो सिमेट्री ध्यान रखना बच्चों, इस वाले चैप्टर में हम जो जो भी करेंगे वो सभी कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखी है आपको कर्व की, ये तो इसमें क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि x और y की जो पावर्स हैं वो इवन है या ओड है। यहाँ पे y की पावर कैसी है, इवन है, और इधर की साइड पे अगर आप देखो x की पावर्स कैसी है, इवन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व द पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर ऑल इवन, क्योंकि हमें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसमें एक्स और वाई की पावर्स कैसी है बच्चों, इवन है। देयरफॉर द गिवन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस। क्या बताया था मैंने कि अगर हमारा कर्व में जो इक्वेशन दी हुई है हमें कर्व की, उसमें एक्स की पावर इवन हो तो हमारा कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के। अगर एक्स की पावर इवन हो तो किसके सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के। तो यहाँ पे देखिए वाई की और एक्स की दोनों की पावर्स कैसी हैं, इवन है, तो इसलिए हमारा जो कर्व है वो दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक क्या होगा, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो जो जो भी हम करेंगे वो सभी कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों, ओरिजिन पे देखना है कि हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑन पुटिंग जो हमारी इक्वेशन है कर्व की, उसमें क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इज इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। ऑन पुटिंग x is equals to 0 and y is equals to 0 in the equation of the curve. Curve की जो equation है उसमें x is equals to 0 और y is equals to 0 put करना चाह रहा है। यहाँ पे y के place पे 0 put करोगे ये वाले term 0, यहाँ पे x के place पे 0 put करोगे तो ये वाले term 0, तो 0 is equals to 0 आ रहा है। Hence the curve is passing through the horizon. The curve is passing through the horizon.
यानी कि हमारा कर्व किससे पास होके जा रहा है बच्चों, ओरिजिन से पास हो रहा है। उसके बाद में अगर हमें क्या चाहिए बच्चों, टेंजेंट चाहिए किस पे, ओरिजिन पे। तो हम क्या करते थे कि इक्वेशन जो थी हमारी कर्व की उसमें जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म थी उसको किसके इक्वल पुट करते थे, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, ऑन इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट अ टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा किस पर, ओरिजिन पर। तो यहाँ से देखिए ये हमारी इक्वेशन थी कर्व की, तो इसको पहले थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो अंदर जरा, कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इधर की साइड आके माइनस के एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये माइनस करेगा इधर आके प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से अगर आप देखो कि लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी, यानी कि किस टर्म की डिग्री जो है वो सबसे कम है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इस टर्म की डिग्री कितनी है, 2 और 2 4 है, इसकी 2 है और इसकी 4 है। तो 2 2 वाली कितनी है, एक तो ये रही एक ये रही, इनको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, यहाँ से 0 के इक्वल। ये वाली जो लाइन है ना बच्चों, ये मैंने यहाँ पे सिंपलीफाई करके लिखी है, ये वाली नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। हमें डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ से ये वाली लाइन आप ऊपर ही सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंपलीफाई कर लोगे कर्व की इक्वेशन को। तो यहाँ से जो भी इसकी लोएस्ट डिग्री वाली टर्म्स होंगी उनको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेके उधर 0 में चला जाएगा, तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से वाई किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर हम टेंजेंट देखें ओरिजिन पे तो वो कितना आ गया, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स आ गया। आपको ये वाली लाइन क्लियर दिखाई दे गई होगी। यहाँ से हमने क्या किया, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस एक्स आ गई, ठीक है। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों जो भी हमने पॉइंट्स निकाले अभी तक, सबसे पहले उन्हें हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। इस पे देखिए पहला पॉइंट क्या था कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के अबाउट भी, यानी कि जैसे कि हमारा एक्स एक्सिस पे बनेगा सेम वैसे ही हमारा वाई एक्सिस पे भी बनेगा अगर वो अवेलेबल होगी। उसके बाद में ओरिजिन की बात आती है, अगर हमने टेंजेंट निकाला ओरिजिन पे, भाई हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास होके जा रहा है, इट मीन्स यहाँ से पास होके जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या निकाली, जब टेंजेंट निकाला तो वो कितना आया ओरिजिन पे, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। और हमें पता है वाई इज इक्वल्स टू एक्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एक्स के लिए हमारी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हम इस टाइप से। तो ये तो किसके लिए हो गई, भाई ओरिजिन से पास हो रही है और लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। दूसरा क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स आप कैसे ड्रॉ करोगे, अपोजिट डायरेक्शन में। ये किसके लिए हो गई, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स निकाले वो हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद में अब क्या निकालेंगे, एजिम्प्टोट्स निकालेंगे। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, देखो बच्चों आप नोटबुक में कर रहे हो इसलिए आप क्या कर सकते हो, पहले सभी पॉइंट्स को फाइंड करके उसके बाद में लास्ट में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो इजीली, ठीक है। क्योंकि आपके पास में सभी पॉइंट्स लिखे होंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट उन पॉइंट्स को क्या कर देना, ग्राफ पे ड्रॉ करते हुए चले जाना। यहाँ पे मुझे पॉइंट्स रफ करने पड़ रहे हैं इसलिए मैं ग्राफ साथ के साथ बनाती जा रही हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या निकालना था हमें, एजिम्प्टोट्स निकालने थे। अब एजिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एजिम्प्टोट देखते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। उसके बाद में क्या निकालते हैं, हम ऑब्लिक एजिम्प्टोट्स। अब एजिम्प्टोट्स आएंगे कितने, वो हमें किससे पता चलता है, जो हमारी इक्वेशन होती है किसकी, कर्व की जो भी हमें इक्वेशन दी हुई होती है वो जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतनी हमें एजिम्प्टोट्स क्या मिलते हैं, उस कर्व की इक्वेशन से मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तो अभी हमने देखा था पहले जब इसको सॉल्व किया था इक्वेशन को, तो कितने डिग्री की बन रही थी, ये 4 डिग्री की। इसका मतलब इसमें टोटल कितने एजिम्प्टोट्स होंगे बच्चों, 4 एजिम्प्टोट्स होंगे। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि इसके लिए एजिम्प्टोट्स होंगे या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एजिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एजिम्प्टोट्स पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, इसके लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारी इक्वेशन है कर्व की, उसमें एक्स की जो भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके कोफिशियंट को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कर्व की इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिख रही हूँ मैं थोड़ा सा सॉल्व करके, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाले टर्म्स इधर आ जाएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। तो पैरेलल टू x एक्सिस यहाँ पे देखिए x की हाईएस्ट पावर किस टर्म में है, x की पावर 4, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये क्या कर रहा है, हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयर इज नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। उसके बाद में क्या निकालेंगे, एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वाई की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इनके कोफिशियंट को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशियंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, वी गेट यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन लेकर उधर 0 में चला जाएगा तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर के, सो इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस ए स्क्वायर के। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, प्लस माइनस ए स्क्वायर है ये रूट से बाहर निकलेगा, प्लस माइनस ए हो जाएगा, और अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, आई होती है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस ए इंटू आई, कैसा है, इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स है, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, क्योंकि ना तो हमारे पास एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना ही वाई एक्सिस, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करेंगे। ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करते थे बच्चों, ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी इक्वेशन है कर्व की उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उनमें एक्स इज इक्वल्स टू 1 और वाई इज इक्वल्स टू एम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है बच्चों, 4 है, तो इसमें क्या करेंगे हम वाई इज इक्वल्स टू एम और एक्स इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास एसिम्प्टोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एम स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 के इक्वल, तो यहाँ से एम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आई के इक्वल, जो कि कैसी एक इमेजिनरी वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट भी क्या है, फाइंड नहीं हो रहा है, तो यहां पे लिख देंगे देयर इज नो ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। फोर पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो आपकी इक्वेशन है कर्व की उसमें एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करके फाइंड आउट करोगे वैल्यू और वाई इज इक्वल्स टू 0 पुट करके। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग या फिर पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है कर्व की उसमें एक्स इज इक्वल्स टू 0 पुट करना। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस वाले टर्म में x के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, x के प्लेस पे 0 पुट करोगे 0, तो यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 0 किस में, इक्वेशन में, तो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कर्व की इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 पुट करोगे ये वाली टर्म 0, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से ये वाली टर्म 0 में पहुंच जाएगी, भाई एक्स स्क्वायर है तो x किसके इक्वल आ गया एक बार, तो 0 के इक्वल, और एक बार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सो इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस ए के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से जो भी हमारे पॉइंट्स आए उनको इसके ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करो। तो देखिए सबसे पहले तो बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना, जब हमने टेंजेंट निकाला था ओरिजन पे कितना आया था हमारा, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x आया था, ठीक है।
अभी इससे पहले जब हमने डबल पॉइंट्स निकाले थे तो उनमें अगर हमारा टेंजेंट क्या आ रहा था, डिस्टिंक्ट और रियल आ रहा था, यानी कि अलग अलग आ रहा था और रियल आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x अलग अलग है और कैसे है, रियल भी है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या बन रहा था, नॉट बन रहा था। तीन कंडीशंस पढ़ाई थी मैंने आपको, नॉट, कस्प और कॉन्जुगेट पॉइंट। तो इस टाइप की कंडीशन में जब हमारा कैसा आ रहा हो, टेंजेंट रियल आ रहा हो, डिस्टिंक्ट आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारा कर्व क्या बनता था, नॉट बनता था। नॉट कैसे ड्रॉ करते थे हम, इस टाइप से ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो भी यहाँ पे क्या आएगी, इमेज आएगी, जो भी हम कर्व ड्रॉ करेंगे वो किस शेप में होगा, कुछ कुछ हमारा इस शेप में होगा, ठीक है। और हमारा ओरिजिन से तो टच करेगा, यानी कि इस वाले पॉइंट से तो टच करेगा ही। अब हमें बाकी की चीजें देखनी है। उसके बाद में हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला किस पे, x इज इक्वल्स टू जीरो और y इज इक्वल्स टू जीरो पे। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू जीरो आ गया और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है, क्योंकि एक तो x इज इक्वल्स टू जीरो है। तो यहाँ से अगर हम डबल पॉइंट निकाले जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो एक तो क्या आ जाएंगे बच्चों, जीरो कोमा जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और वाई इज इक्वल्स टू जीरो लोगे तो कितने आ जाएंगे, जीरो कोमा जीरो। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। तो हमारा एक तो डबल पॉइंट आ गया क्या, जीरो कोमा जीरो, उनको पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन यही आ जाएगी, यानी कि हमारे जो टेंजेंट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, सेम यही वाले रहेंगे। उसके बाद में क्या है, अगर आप एक पॉइंट क्या लेते हो, y इज इक्वल्स टू जीरो लेते हो और x इज इक्वल्स टू a लेते हो, यानी कि एक पॉइंट क्या आएगा, a कोमा जीरो। देखना जरा क्या ये वाला इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a x के प्लेस पे a पुट करोगे यहाँ से वाली टर्म जीरो, y के प्लेस पे जीरो पुट करोगे यहाँ से ये वाली टर्म जीरो, यानी कि a कोमा जीरो भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, कर्व की इक्वेशन को। तो यहाँ से एक हमारा डबल पॉइंट क्या हो जाएगा, a कोमा जीरो हो जाएगा। अगर हमारा डबल पॉइंट a कोमा जीरो आ रहा है तो उसको किस पे शिफ्ट करोगे आप, ओरिजन पे, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करोगे। तो एक बार पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, एक चीज का ध्यान करना बच्चों, पहले मैं यहाँ पे लिखाई दे रही हूँ, फिर इसको रफ करना पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस है, यानी कि जो हमारा कर्व जाएगा x एक्सिस पे तो कितना जाएगा हमारा, प्लस a तक और माइनस a तक, कहाँ तक, प्लस a और माइनस a। अभी हमें रीजन जब निकालेंगे तब और हमें पक्का कंफर्म हो जाएगा कि वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बाकी हमारा एक डबल पॉइंट आया a कोमा जीरो, और अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो माइनस a कोमा जीरो आ जाएगा थर्ड पॉइंट। तो देखना जरा क्या ये भी हमारा डबल पॉइंट बन रहा है, माइनस ए, एक्स के प्लेस पे माइनस ए पुट करोगे तो फिर से ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म भी जीरो, यानी कि हम क्या करेंगे, ए कोमा जीरो और माइनस ए कोमा जीरो दोनों क्या करेंगे, ओरिजिन पे शिफ्ट करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर आप माइनस ए भी पुट करोगे तो भी आपका ए ही आ जाएगा, तो इसलिए हम ओनली सिर्फ एक ही पॉइंट शिफ्ट करके देख लेंगे, बात हमारी वही रहेगी। क्यों, क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम ए कोमा जीरो शिफ्ट कर लेंगे, एक बार पहले यहां तक नोट कर लीजिए। यहां पे लिखेंगे ऑन शिफ्टिंग ए कोमा जीरो एट द ओरिजन। शिफ्ट कैसे करते हैं बच्चों, जब हमने करे थे इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज फर्स्ट में, तभी आपको बताया था, एक्सरसाइज फर्स्ट में किए थे आई थिंक, नहीं सेकंड में किए थे, हाँ ठीक है। तो उसमें अगर आपने वे वाले लेक्चर्स बच्चों ले लिए हैं तो तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने इससे पहले यानी कि एजम्प्टोट्स वाले के या फिर कर्व ट्रेसिंग के पहले के लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो प्लीज़ पहले उनको ले लेना, उसके बाद में इसको देखना लेक्चर को, वरना तो आप कहोगे मैम ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया या फिर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हो, इससे पहले आपके टोटल 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं इस वाले चैप्टर के। तो क्या करेंगे, ऑन शिफ्टिंग ए कोमा जीरो एट द ओरिजन, ओरिजन पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि एक्स में तो क्या ऐड करेंगे बच्चों, ए, और वाई में क्या ऐड करेंगे, जीरो। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या है कर्व की है, तो इसमें आपकी टर्म आ जाएगी वाई प्लस जीरो का स्क्वायर और इनटू में कितना है यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स में ए ऐड कर दोगे, इज इक्वल्स टू यहाँ से टर्म बन जाएगी एक्स प्लस ए का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी टर्म क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के फॉर्मूले से इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना है एक्स प्लस ए का स्क्वायर, और सेम इसमें भी क्या कर दो, यहाँ से फॉर्मूला ओपन कर दो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस के टू ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है बच्चों, पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें
टेंजेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब हमने पॉइंट शिफ्ट कर दिए किस पे, ओरिजिन पे, तो हम टेंजेंट निकालेंगे इस पॉइंट के लिए। तो टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन के लिए, हमने क्या किया भाई, शिफ्ट कर दिया ओरिजन को, सॉरी ए कोमा जीरो को किस पे, ओरिजन पे, तो हमें टेंजेंट भी तो नया मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म वी गेट टेंजेंट एट द न्यू ओरिजिन, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन जो है आपकी कर्व की, सॉरी यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन फाइंड आउट करी, ये वाली, इसमें जो भी हमारी लोएस्ट डिग्री टर्म होगी उसको किसके इक्वल पुट करेंगे हम, जीरो के इक्वल। तो यहाँ से देखिए इस वाई स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे डिग्री 4 हो जाएगी, फिर डिग्री 2, उसके बाद में यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ओनली एक्स इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि डिग्री कितनी रहेगी 3, यानी कि अभी तक हमारे पास 2 डिग्री है 3 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, सॉरी एक्स का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आएगी, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, तो यहाँ से जो 2ax वाली टर्म आएगी जब आप उसकी मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इस वाली टर्म में, सॉरी इससे तो आपकी वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये ए स्क्वायर आएगा इसको ओपन करने के बाद, तो उस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब आप 2ax में करोगे तो वहां से आपकी कौन सी टर्म बनेगी, ओनली 1 डिग्री की टर्म बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यानी कि इस वाली इक्वेशन की जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगी वो कितनी होगी, 2ax की फॉर्म में होगी, तो वहां से अगर हम निकालेंगे तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो की, क्योंकि एक्स की डिग्री 1 रहेगी तो उसके मल्टीप्लीकेशन में जो भी टर्म्स होंगी वो जीरो में चली जाएंगी, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और आपको पता है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो किस पे होता है, हमारा वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल दिया, किस पॉइंट पर आया हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पर आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रीजन निकालना है कि हमारा कहाँ से कहाँ तक जो कर्व है वो ड्रॉ होगा। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, हमारा क्या बन रहा था, नोड किस पर, जब हमारा टेंजेंट कितना था, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स था, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बना था, नोड बना था, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करिए एक बार। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट देखिए बच्चों, क्या निकालना है हमें, रीजन फाइंड आउट करना है, यानी कि कितने एरिया में हमारा कर्व जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो रीजन कैसे निकालेंगे, आपको इक्वेशन दे रखी है कर्व की, क्या वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम ओनली किसकी बात करें बच्चों, वाई की बात करें, तो वाई इज इक्वल्स टू जीरो किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के लिए ही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है वाई एक्सिस के पैरेलल तो हमें क्या मिला है, कोई भी एसिम्प्टोट नहीं मिला, ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल, लेकिन हमें पॉइंट्स पता है कितने, प्लस ए और माइनस ए। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, ए स्क्वायर इधर की साइड रूट में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के यहाँ पे एक्स, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, यहाँ पे बात आती है इस वाली टर्म की, ये वाली जो हमारी टर्म है ये हमारी निगेटिव नहीं आनी चाहिए, क्यों, अगर निगेटिव आ गई तो ये हमारी इमेजनरी हो जाएगी, तो हमें क्या लेनी है, ये वाली टर्म पॉजिटिव लेनी है। तो ये हमारी पॉजिटिव कब होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव वैन, किस कंडीशन में होगी बच्चों, अगर हमारी x की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन इक्वल्स टू a होगी, यानी कि या तो ये a के इक्वल होगी या फिर कैसी होगी, a से छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इन अ सेंस जो x की वैल्यू है वो कहाँ एग्जिस्ट करेगी बच्चों, ये हमारी लेस देन इक्वल्स टू होगी a और ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगी माइनस a से, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, a टू माइनस a के बीच में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे देखिए एक बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है कि जब हमारा एक्स कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू ए है, तो उस कंडीशन में हमारी कंडीशन कौन सी आ रही है, ये वाली। तो यहाँ से हमारा क्या क्लियर है कि जो एक्स की वैल्यू है वो प्लस ए से माइनस ए के बीच में एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा रीजन कहाँ तक आएगा, यहां से प्लस ए से
माइनस ए तक ही हमारा क्या होगा, जो कर्व है वो ड्रॉ होगा। अब हमारे पास कर्व कौन सा आया था, नोड बना था हमारा, जब हमारे रियल और डिस्टिंक्ट टेंजेंट आए थे तो उस कंडीशन में नोड था। तो अगर हम इधर की साइड, हमारा ये टेंजेंट है, टेंजेंट से टच होता ही बनाएंगे बच्चों, सेम इधर की साइड बनेगा तो हमारा, क्योंकि हमारा क्या आता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो जैसा हमने इधर की साइड ड्रॉ किया है सेम उसी तरीके से हम ये वाला कर्व इधर की साइड भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बोर्ड पे हाथ वगैरह हिल रहा है, बाकी आप इसको सही से बना लेना। ठीक है, आपको पता है नोट किस टाइप से ड्रॉ होता है, इस टाइप से ड्रॉ होता है आपका उल्टा, मतलब इस टाइप से कुछ, एक तो ना बोर्ड पे वही हाथ ठीक से चल नहीं पाता, ठीक है इधर उधर ज्यादा होता है मेरा, तो ठीक करके बना लेना आप नोटबुक में। कुल मिला के बात ये, इस टाइप से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कर्व। ठीक है, तो इसी के साथ में आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका कर्व कैसे बन गया, ये हमने पहले निकाले था कि सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जैसे कि इधर बनेगा वैसे ही हमारा इधर की साइड बनेगा। टेंजेंट हमारा क्या आया था, वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, जो कि हमने ड्रॉ कर लिया, ये वाई इक्वल्स टू एक्स के लिए था, ये वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए। रीजन हमारा कहाँ से कहाँ तक आया था, प्लस ए से माइनस ए के बीच में, और हमारा टेंजेंट रियल और डिस्टिंक्ट आते तो इसलिए हमारे क्या बनाए, नोड बनाए। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये वाला जो ग्राफ है कंप्लीट होता है। हमने इस वाले कर्व को क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रेस करके दिखा दिया। इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 ए क्यूब। इसके लिए आपको क्या करना है, कर्व ट्रेस करना है। तो सेम जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया उसी की तरह करेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमें क्या फाइंड करना होता है, सिमेट्री फाइंड आउट करनी होती है। तो सिमेट्री कैसे फाइंड करते हैं, जो भी हमारी इक्वेशन दी हुई होती है कर्व की उसमें देखते हैं कि एक्स की पावर इवन है या फिर वाई की पावर इवन है। तो इसमें आप देख सकते हो वाई की पावर कितनी है 1 और एक्स की पावर कितनी है 2, यानी कि एक्स की पावर कैसी है इवन है और वाई की कैसी है ऑड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस द पावर ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज इवन, देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिक सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर हमारी पावर किसकी, x की इवन है, तो हमारा कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा बच्चों, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या निकालते हैं, ओरिजिन पे, यानी कि क्या हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी कि जो भी हमारी इक्वेशन है कर्व की उसमें x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 पुट करना। तो यहाँ पे देखना जरा, y के प्लेस पे 0 रखा तो ये वाली टर्म 0 इज इक्वल्स टू इधर कितना है 8 a क्यूब। क्या दोनों साइड्स इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब LHS does not equals to RHS, तो hence the curve does not passes through the origin, यानी कि हमारा जो कर्व है वो ओरिजन से पास नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी LHS किसके इक्वल नहीं आ रही, RHS के इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, एजेम्प्टोट्स फाइंड आउट करेंगे। तो एजेम्प्टोट्स कैसे, पहले तो एजेम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे और एजेम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर प्लस के वाई इंटू 4 ए स्क्वायर और माइनस ये 8 ए क्यूब इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो क्या निकालेंगे, एजेम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एजेम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमारी एक्स की हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी उसके कोफिशियंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2,
इसका कोफिशियंट क्या है वाई, तो वाई को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से आपको एजम्प्टोट क्या मिल गया, वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, सेकेंड एजम्प्टोट फाइंड करेंगे किसके पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एजम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। y की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, वन ही है इस इक्वेशन में, तो y का कोफिशियंट कितना है x स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर, इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर स्क्वायर है उधर रूट जाएगा, तो यहाँ से x की टर्म कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस है तो यहाँ से 2a वो भी प्लस माइनस के और माइनस अंडर रूट वन, अंडर रूट माइनस वन किसके इक्वल होता है आई के, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसी आई बच्चों, इमेजिनरी आई, यानी कि एजम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे इसके लिए ऑब्लिक एजम्प्टोट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों अब क्या निकालेंगे, ऑब्लिक एजम्प्टोट निकालेंगे क्योंकि एजम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस तो मिला ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे ऑब्लिक एजम्प्टोट की वैल्यू। तो ऑब्लिक एजम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, जो भी आपकी इक्वेशन होती है कर्व की उसमें जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है उसमें x इज इक्वल्स टू वन और y इज इक्वल्स टू m पुट करते हैं, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू वन एंड y इज इक्वल्स टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो हमारी कर्व की इक्वेशन है उसमें जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसमें x इज इक्वल्स टू वन और y इज इक्वल्स टू m पुट करेंगे, तो देखिए हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है ये वाली, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी बन रही है थ्री बन रही है, तो क्या करेंगे इसमें y इज इक्वल्स टू m पुट करेंगे, तो y के प्लेस पे m इंटू x के प्लेस पे क्या पुट करोगे वन पुट करोगे, तो वन की मल्टीप्लाई एम में करोगे एम ही रहेगा, तो एम किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में बच्चों फाइव, और हमने कितने डिग्री की ली है थ्री डिग्री की ली है, तो फाइव थ्री एम की वैल्यू कितनी आई एम इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि फाइव थ्री एम की वैल्यू एम आई और उसको किसके इक्वल पुट करेंगे जीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए बच्चों, आपको पता है एजम्प्टोट क्या होता है वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो वहां से हमें अभी सी की वैल्यू भी चाहिए, एम की वैल्यू तो कितनी आ गई जीरो, आपको पता है सी किसके इक्वल होता है, सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं सी फाइ एन डैश एम, यानी कि एन क्या लिया है हमने हाईएस्ट डिग्री कितनी ली है थ्री, तो फाइ थ्री डैश एम माइनस के फाइ एन माइनस वन एम इज इक्वल्स टू जीरो, इससे सी की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो फाइ थ्री एम की इक्वेशन कितनी आई है ये, इसका एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करोगे, यहाँ से देखिए अगर m इज इक्वल्स टू जीरो है तो क्या आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है अगर इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकती है अपने आप में क्या है जीरो है, तो यहाँ से फाइ एन माइनस वन यानी कि थ्री में से माइनस करोगे वन कितना आएगा टू, क्या देखिए यहाँ पे कोई टू डिग्री वाली टर्म है नहीं है जी, यहाँ पे थ्री डिग्री की है यहाँ पे वन डिग्री की और यहाँ पे एक भी डिग्री की नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी जीरो, तो यहाँ से सी की वैल्यू भी जीरो, तो आपका एजम्प्टोट क्या आएगा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये वाली वैल्यू क्या कर रही है एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यानी कि इसके लिए भी एजम्प्टोट क्या रहेगा हमारा वाई इज इक्वल्स टू जीरो, आपका ओनली एक एजम्प्टोट मिला किसके लिए हमें इस वाले कर्व के लिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर इज नो ऑब्लिक एजम्प्टोट, देयर इज नो ऑब्लिक एजम्प्टोट। ठीक है, अब क्या करेंगे जितना भी हमने निकाले बच्चों उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। अब यहां से देखिए बच्चों क्या करेंगे हम कर्व ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है ये वाली वाई एक्सिस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाला था सिमेट्री, सिमेट्री में हमारा क्या आया था जो हमारा कर्व है वो किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के, यानी कि इस वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जैसे कि इधर की साइड बनेगा वैसे ही हमारा इधर की साइड कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या था ओरिजन, क्या हमारा कर्व ओरिजन से पास आउट हो रहा था बच्चों, नहीं हो रहा था, इसका मतलब हम कर्व जहां पे भी ड्रॉ करेंगे वो हमारा ओरिजन से कट नहीं होके जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या निकाले थे हमने एजम्प्टोट, एजम्प्टोट क्या आया था हमारा वाई इज इक्वल्स टू जीरो, वाई इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है कि अगर हम कर्व यहाँ पे ड्रॉ करते हैं भाई हमारा वाई एक्सिस के अबाउट तो ड्रॉ होगा कर्व, अब हमें क्या करना है वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एजम्प्टोट वाई इज इक्वल्स टू जीरो किस पे होता है हमारा एक्स एक्सिस पे होता है बच्चों, आपको पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा वाई इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे इस वाली एक्सिस पे किस पे
एक्स एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू जीरो. तो जब एसिम्प्टोट होता है उसको ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जब हम ड्रॉ करेंगे कर्व को, तो वो हमारा एक्स एक्सिस से पास होके तो जाएगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा. कहाँ पे टच करेगा एक्स एक्सिस को? इन्फिनिटी पे टच करेगा. इसका मतलब यहाँ से जो कर्व की शेप आएगी वो कैसे आएगी? इस टाइप से आएगी. यानी कि कर्व जो है बच्चों वो कहाँ करेगा? इन्फिनिटी पे टच करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को. तो इस टाइप से आएगी यहाँ पे. ये तो हमारी किसके लिए हो गई? एसिम्प्टोट के लिए. यानी कि जो हमारा एसिम्प्टोट आया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा? इन्फिनिटी पे टच करेगा, क्योंकि हमारे पास एसिम्प्टोट क्या आया है? वाई इक्वल्स टू जीरो आया है, ठीक है. उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या होता था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते थे? इक्वेशन में पहले x इज इक्वल्स टू जीरो पुट करके वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद में y इज इक्वल्स टू जीरो. तो एक बार तो पुट करोगे x इज इक्वल्स टू जीरो, तो इस कंडीशन में देखिए x के प्लेस पे जीरो पुट करोगे तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ जाएगी? y इंटू फोर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 a की क्यूब. तो 4 टू जा 8, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2a आ गई, ठीक है. और दूसरी कंडीशन क्या है? जब आप पुट करोगे y इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे देखिए जब आप y इज इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू 8 a की क्यूब, जो कि कैसी है? आपकी टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि 8 a क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो मीनिंगलेस है. तो यानी कि आपका सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया? x इज इक्वल्स टू जीरो पर y इज इक्वल्स टू 2a आया. यानी कि x इज इक्वल्स टू जीरो कितना होता है बच्चों? y एक्सिस होती है, ठीक है. तो x इज इक्वल्स टू जीरो y एक्सिस, और y पे कितना है पॉइंट? y इज इक्वल्स टू 2a. तो यहाँ पे a, तो सपोज दैट यहाँ पे कितना जाएगा आपका पॉइंट? 2a जाएगा. इसका मतलब जो हमारा कर्व ड्रॉ होगा वो यहाँ पे ड्रॉ होगा y इज इक्वल्स टू 2a पे. यहाँ पे पॉइंट कितना है? x इज इक्वल्स टू जीरो और y इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है. एक बार हम रीजन और देख लेते हैं कि हमारा यहीं तक जाएगा या इससे ऊपर भी जाएगा. अब इस वाले को रहने देना, ठीक है, इस वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए. अभी हमें नीचे भी तो देखना, नीचे आएगा या फिर नहीं आएगा. फिफ्थ पॉइंट निकाल लेते हैं बच्चों, क्या? रीजन. यानी कि हमारा जो कर्व है कितने रीजन में ड्रॉ होगा? तो रीजन के लिए क्या करेंगे? आपको इक्वेशन दे रखी है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a की क्यूब. यहाँ से देखिए हमें पता है कि हमारा जो कर्व है वो किसके अबाउट बनेगा? y एक्सिस के अबाउट. यानी कि इधर की साइड जितना इधर होगा वैसे ही हमारा इधर की साइड भी ड्रॉ होगा, ठीक है. और y पे पॉइंट कितना गया? 0.2 है. तो यहाँ से देखिए हमें किसके लिए वैल्यू चाहिएगी? सबसे पहले x स्क्वायर के लिए यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि x इज इक्वल्स टू जीरो ही तो होता है हमारा y एक्सिस पे. तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8a की क्यूब, यहाँ पे y मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है. यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाले एक्स स्क्वायर की कितनी आ जाएगी? 8a क्यूब अपॉन वाई माइनस के 4a स्क्वायर. और यहाँ से अगर किसकी वैल्यू निकाले बच्चों? x की वैल्यू निकाले, इम्प्लाइज दैट x किसके इक्वल आ जाएगा? इधर की साइड रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 8a क्यूब अपॉन वाई माइनस के 4a स्क्वायर, ठीक है. एक बार यहाँ से देख लीजिए इससे आगे x किसके इक्वल हो जाएगा. यहाँ से देखिए x की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? अंडर रूट 8 a की क्यूब, उसके अपॉन में 1 लेट करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हमारी टर्म कितनी हो जाएगी? 4a स्क्वायर y, और अपॉन में कितनी है? y. यहाँ से देखिए हमारी जो ये वाली टर्म है क्या? 8 a क्यूब माइनस के 4 a y, ये हमारा पॉजिटिव होगा. किस कंडीशन में पॉजिटिव कब होगा हमारा? तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी किस कंडीशन में? अगर हमारी वाई की वैल्यू कैसी आ जाए बच्चों? लेस देन इक्वल्स टू आ जाए. किससे? ए से. अगर वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू ए होगी तभी तो हमारी ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 ए क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर वाई को किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के इक्वल. तो यहाँ से देखिए बच्चों 8 ए क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा? 4 ए स्क्वायर वाई के. तो यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी कट पिटा के? 2a आ जाएगी. यानी कि y की वैल्यू कहाँ तक टेंड करेगी? 2a तक. तो y पे हमारा कर्व कहाँ तक जाएगा? 2a तक. यानी कि ओनली इस रीजन तक हमारा कर्व क्या होगा? ड्रो होगा, ठीक है. तो जो y की वैल्यू अगर वो 2a आ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो
कर्व होगा वो किस सीजन में ड्रॉ होगा, y इज इक्वल्स टू 2a तक ड्रॉ होगा, y माइनस a में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब जितना कर्व हमारा इधर की साइड ड्रॉ होगा वही हमारा सेम इधर की साइड भी ड्रॉ होगा। यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, वो चूंकि हमारा कर्व जो है वो x एक्सिस पे टच नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एसिम्प्टोट क्या आया था y इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से इस कर्व को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। और सेम जैसे इधर की साइड ड्रॉ किया है सेम ऐसा ही हम इधर की साइड भी ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या बन गया, हमारा कर्व ट्रेस हो गया जो कि हमें इस क्वेश्चन में कहा था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बच्चों क्वेश्चंस करने हैं, बाकी एग्जांपल्स की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एग्जांपल्स कर लेना। अगर किसी भी एग्जांपल में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बता देना, मैं आपको क्लास में ही करा दूंगी, ठीक है। लेकिन आपको चैप्टर को साथ के साथ में कवर करना है, ये नहीं सोचना है कि आज मैम ने वीडियो अपलोड कर ली तो कल देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लीजिए, इसको नोट करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में क्या तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ सकें। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।